Hello everyone. So good afternoon and welcome back to the session. Welcome back to the YouTube channel of UGCNET JRF Advisors Exam Prep and myself Toshiba Shukla, your paper 1 faculty here. So I hope I am visible, audible, everything is fine. Quickly let me know all the technical parameters are good. Mujhe jaldi se bata dijiyega. Aapko awaaz aa rahi hai, dikhai de raha hai, video badhiya chal raha hai, PPT bhi acche se dikh rahi hai. So that we can quickly move further and let me know whether I am live as well. First of all, yes, I guess I am. Okay. So let's see kaun kaun aa gaya hai. Hi Sneha. Hello Nidhi, hi Radha, hi Sonal, hello Chandan, Bhavna, Nilama, Kanchan, Nidhi, hello Suraj, hello Abhijit, hi Ragini, hi Jyoti, hello Alka, Sana, Mosmi, everyone, very, very good afternoon to all of you. I hope you all are very excited for this session. So, I have, you know, as per my promise, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. बिल्कुल 100 questions लेकर आई हूँ मैं, ठीक है. अब ये निर्भर करता है कि आप कितना योगदान देते हैं इस वादे को निभाने में. हाउ मच यू विल गिव मी सपोर्ट इन टुडेज क्लास सो दैट वी कुड सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस. वी शुड बी ऑलवेज कीपिंग अ टारगेट्स हियर सो दैट अगर हम यहाँ नहीं पहुंच पाए तो यहाँ तो पहुंचेंगे ही, है ना. हमेशा इमेजिन करो कि 99.99% आई लाओगे, नहीं तो एटलीस्ट 99 तो लेकर आओगे. इसलिए हमने 100 रखा है. कोशिश करके अगर हमने आज 60-70 भी कर लिए बहुत बड़ी बात है. मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट, राइट. सो एज आई सेड इट इज कॉल्ड एज महामैराथन ऑन एनवायरमेंट 100 क्वेश्चंस. वन क्विक इन्फॉर्मेशन, एज 100 क्वेश्चंस प्लान इज 50 के शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड रहेंगे. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ऑल दीज डिजीजेस एंड ऑल. द सेकेंड 30 or 40 questions will be on your ecosystem and environment, basic food pyramid, bioremediation, biomagnification, primary succession, क्या होता है, biotic component, abiotic component, ये सारे. फिर last के जो 20 questions हैं वो आपके tester questions हैं जो कि थोड़े से tough हैं, उनमें timer नहीं रहेगा. So that's how the lecture plans to be unfolding in a while, ठीक है. तो जल्दी से मुझे बता दो, yes ma'am we are ready. Quickly बता दो. And the classes, my YouTube classes are on Monday and Wednesday at 12 PM. Today is Wednesday, hence we are meeting. This is the Telegram group. ये paper 1 का Telegram group है. This is my Telegram group. If you want to group, yes, it's still a group. If you want to join the group, and this is the channel where I share certain motivational quote and quizzes and current affair articles, so on and so forth. राइट, सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जल्दी से एक बार अटेंडेंस कर दो. और उससे पहले, क्योंकि हम हर क्लास को एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं, तो आज तो बिल्कुल बनता है मोटिवेशन, क्योंकि 100 क्वेश्चन का टारगेट रख कर रहा है ना. हमारा आज का लक्ष्य बहुत बड़ा है. सो आज का मोटिवेशन है आपके लिए, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले. राइट, समथिंग वेरी सिंपल बट वेरी एप्ट, कि इतना कोशिश करो, इतना ट्राई करो कि आप हारते जा रहे हो, हारते जा रहे हो, हारते जा रहे हो, नॉट गेटिंग सक्सेस, यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, बट इवेंचुअली यू विल विन एंड यू माइट नॉट बी यू नो इवन अवेयर दैट यू एक्चुअली वन वन फाइन डे. सो दैट शुड बी इन योर ओन यू नो आपके एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए. कोशिश करना, आपका वजूद का हिस्सा बन जाना चाहिए ट्राई करना और प्रयास करना. कि अगर उस लेवल का प्रयास करोगे, उस लेवल शिद्दत से कोशिश करोगे, तो कब एक दिन जीत जाओगे पता ही नहीं चलेगा, है ना. तो इसीलिए आज हमने यही कोट को मद्देनजर रखते हुए फिर से कोशिश करेंगे. 100 क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे. कब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कब हमारा एग्जाम आ जाएगा, कब हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना. यस, ओके, सो शुरू करते हैं जंग को. जंग तो नहीं है बट हाँ, जो भी है पूरे अपनी शिद्दत से सॉल्व करना. क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है. कुछ ग्राउंड रूल्स बता दूं क्विकली. क्वेश्चंस इंग्लिश प्लस हिंदी. सेकंड टाइमर रहेगा. थर्ड एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मिनिमम रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं. फोर्थ हर प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपके एनवायरमेंट में, पॉल्यूशन से रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, ठीक है. चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज दिस. इसी बात पे चश्मा भी लगा लिया जाए.
यस, सो कंसीडर द फॉलोइंग, आपको बताना है पैडी फील्ड्स, कोल माइनिंग, पेट्स या वेटलैंड। इनमें से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्सर्जन किससे सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है और मैं ये बहुत बार आपको बता चुकी हूँ मीथेन गैस किस किस से निकलती है, पैडी, कोल माइन, पेट्स या वेटलैंड। क्विकली क्विकली क्विकली, आई वॉन्ट एवरी वन टू ब्रेस योर सेल्फ अप, ठीक है, और जल्दी जल्दी से सारे सवालों का जवाब देना। ट्रस्ट मी, इससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, है ना। अगर आपको एनवायरनमेंट में थोड़ा भी डाउट है तो थोड़ा सा लैग है आंसर्स के आने में, बट ओके। सो यू थिंक इट्स 1 एंड 4, कोल माइनिंग और पेट्स नहीं है। बहुत लोगों को डी बी लग रहा है। चलो, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, 1 2 3 4। तो कहीं ना कहीं पेट से, या अगर हम बोलें जैसे आपने सुना है द एंटरिक फर्मेंटेशन, राइट। सो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनसे मीथेन गैस निकलता है जब वो डाइजेशन करते हैं। कोल माइनिंग से भी मीथेन निकलता है। पैडी फील्ड मतलब जहाँ पे आपके जो आपकी धान की खेती है, चावल उगाते हो, उससे भी मीथेन निकलता है। वेटलैंड से भी मीथेन निकलता है। ये सारे के सारे आपके मेन सोर्सेज हैं मीथेन के। ठीक है, क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान्स 1953 मिनामाटा डिजीज इन विच फिश वर इन्फेक्टेड वॉज कॉज बाय द एक्सेस ऑफ विच सब्सटेंस। जापान में 1953 में होने वाला मिनामाटा व्याधि, जिसमें से मछलियां संक्रमित थीं, किस पदार्थ के आधिक्य के कारण हुआ था? निकेल, लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। क्विकली क्विकली, लेट्स टेक द स्ट्रेंथ टुडे टू 500, 550, बिकॉज द क्वेश्चंस आर 100। यस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मर्क्यूरी, जिसको हम पारा बोलते हैं। मिनामाटा डिजीज 21 अप्रैल 1956 में 5 साल की लड़की को एग्जामिन किया गया था एट द चीसो कॉर्पोरेशन फैक्ट्री मिनामाटा जापान में, क्योंकि वो सिम्टम्स क्या थे, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, स्पीकिंग एंड कन्वल्शंस भी थे, कॉन्वोल्यूशंस थे, एंड ऑल्सो ये अदर फैमिली मेंबर्स में भी पाई गई थी। तो इट्स इसमें पैरालिसिस भी हो जाता है जिनको ये डिजीज होती है। सो 1956 में पहली बार पाया गया था। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। कौन सा पार्ट ह्यूमन बॉडी का, शरीर का, न्यूक्लियर रेडिएशन से इफेक्ट होता है सबसे पहले? लिवर, ब्रेन, लंग या बोन मैरो? क्विकली। यस, सो यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस। सबसे फर्स्ट बॉडी में कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? लिवर, ब्रेन, लंग या बोन मैरो? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, चलिए। सो आंसर इज बोन मैरो। ठीक है, न्यूक्लियर रेडिएशन से, ये आपने इतना सुना नहीं होगा, बट लिवर नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, लंग नहीं होता, बट जो बोन मैरो है वो सबसे पहले रेडिएशन उसको प्रभावित करती है ना। ये क्वेश्चन मुझे पता था नहीं बनेगा। विच टॉक्सिक एलिमेंट इज इन द न्यूज़पेपर? ये सारे इतने बेसिक क्वेश्चन है तब भी आपके आंसर्स गलत आएंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम गलत मार्क करके आते हैं। हमको लगता है कि हम यू नो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लेंगे, बट ये छोटे में हम मात खा जाते हैं। सो न्यूज़पेपर में कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट होता है? मर्करी, लेड, मैंगनीज या कैडमियम? यस, क्विकली क्विकली, सबको लग रहा है लेड होता है, ठीक है, किसी को लग रहा है कैडमियम भी होता है। बिल्कुल, लेड इसका सही आंसर है। न्यूज़पेपर में लेड पाया जाता है। ठीक है ठीक है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इन द होम फैन होम इज वॉट? घरों में सबसे खतरनाक रेडिएशन का जो सोर्स है वो क्या है? पंखा, कलर टेलीविजन, हीटर या ट्यूबलाइट? वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट वेरी बेसिक टू नो, इन केस यू नो यू वांट टू हैव अ गुड होल्ड एंड फर्म होल्ड ऑन एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट्स।
पंखा, कलर टीवी, हीटर या ट्यूबलाइट। फिफ्थ का बताओ जल्दी से। देर इज लैग, जिसमें आप मुझे आंसर दे रहे हो, मुझे बहुत लेट मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, हमारे घरों में घर का भेदी लंका ढाए, कलर टेलीविजन से रेडिएशंस निकलते हैं। इट्स नॉट हीटर, राइट? हार्मफुल रेडिएशंस कलर टेलीविजन से निकलते हैं, ट्यूबलाइट और हीटर से नहीं, राइट? रेडिएशंस की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट का क्लास पॉल्यूशन इंडिकेटर। इनमें से कौन सा फर्स्ट क्लास पॉल्यूशन इंडिकेटर है, जिससे आपको प्रदूषण का संकेत मिलता है? प्रदूषण संकेतक कौन सा है प्रथम श्रेणी का? बी बटरफ्लाई, क्राउडेड कैविटी, या डैंडलियन, सॉरी पाउडर्ड कैविटी। पाउडर्ड कैविटी, बटरफ्लाई, बी या डैंडलियन, जल्दी बताओ। हाँ ओके, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, यस, पाउडर्ड कैविटी। चलो कुछ तो सही हुआ। सो इनको हम मॉलस्क भी बोलते हैं। दीज आर द फर्स्ट क्लास पॉल्यूशन के इंडिकेटर, जिनसे हमें पॉल्यूशन का लेवल पता चल जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। विच हार्मफुल सब्सटेंस रिमेन्स एक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कौन सा हानिकारक पदार्थ नभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? सीशियम, स्ट्रांशियम, प्लूटोनियम या आयोडीन, जल्दी बताओ। लंबे समय तक एक्टिव रहता है, आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, राइट? रेडियो एक्टिविटी, ये फ्यूल्स हैं, हम इनको यूज करते हैं। न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, ठीक है? हमारे भारत का एक यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है। ये क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, आपको डिटेल में पता होना चाहिए। एंड द क्वेश्चन इज सी, प्लूटोनियम 239 बहुत समय तक एक्टिव रहता है इवन आफ्टर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है? विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट सेंसिटिव टू न्यूक्लियर रेडिएशन? इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रेडिएशंस के लिए बहुत सेंसिटिव है? जल, थलचारी, एक्विफर्स, बर्ड्स, मैमल्स या रेप्टाइल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विकली। हाँ जी, जल्दी बताओ, समय समाप्त होने वाला है। एर्थ का सेंसिटिव टू न्यूक्लियर रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन। चलो इसका आंसर है मैमल्स, बर्ड्स नहीं। न्यूक्लियर रेडिएशन सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होते हैं वो होते हैं मैमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल टेररिस्ट? किसको हम पारिस्थितिकी का आतंकवादी भी बोलते हैं? ये मैंने ऐप पे भी करवाया था। सफेदा, कोकोनट पाम, एप्रिकॉट या ग्रे एल्डर, इकोलॉजिकल टेररिस्ट। सफेदा, नारियल, ताड़, ग्रे एल्डर या एप्रिकॉट। एक और एक ट्री है जिसका नाम है यूकेलिप्टस, राइट? वो भी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता, ये भी हमने डिस्कस किया था। यस, नाइन्थ का जल्दी बताओ। कोई बात नहीं आराधना जी, जल्दी से सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। सफेदा, सफेदा मैंने जानबूझ के आपसे इंग्लिश में बोला, बिकॉज यूकलिप्टस, ये मैंने आपको बताया था, यूकलिप्टस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सफेदा, और ये सबसे ज्यादा आपके इन्वायरमेंट के लिए खराब होता है, ठीक है? नारियल नहीं, दिस वॉज एक्चुअली फर्स्ट प्लांटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ये टेररिस्ट माना जाता है क्योंकि अपने आसपास की कम्युनिटी को ये उगने नहीं देता। ऑल्सो सॉइल का सारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, पानी है, सब सक कर लेता है, राइट? यूकलिप्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं करता है? डीजल इंजन, पोलनाइजेशन, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन? समय शुरू होता है अब, जल्दी से बताओ। 10 क्वेश्चन हुए हैं, अनदर सच 10 सेट्स टू गो बाय द टाइम वी वाइंड अप द क्लास। सर सबका घूम रहा होगा, है ना? यस यूकलिप्टस का हिंदी होता है सफेदा, भैया अंग्रेजी हिंदी में चकरा गए। सो 10वें का है
बिल्कुल डी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये क्या है, ये रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। हाउ मच डेसिबल नॉइस पॉल्यूशन इज कॉज बाय साउंड, साउंड से कितना मतलब नॉइस पॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, इनमें से रेंज में से किसको आप प्रदूषण बोलोगे, और आपका समय शुरू होता है 50 से 60, 80 से 90, 40 से 70, 20 से 35। यस यस, क्विकली क्विकली, डेसिबल नॉइस पोल्यूशन इज कॉज बाय साउंड। ओके, सो 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स एंड टाइम इज ओवर। द आंसर इज बी, वेरी नाइस। 80 to 90 को हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपको एक छोटी सी लिस्ट बता दूं, वोल्केनो इरप्शन 190, थंडर 120, जेट प्लेन 120, फैक्ट्री बॉयलर 110, टाइपराइटर कटकट कटकट 50, विस्पर फुश फुश कर करते हो, सुनो सुनो, तुमने ये सुना है ऐसे करके, तो 15 डेसिबल ही होता है। इसको हम डेसिबल बोलते हैं, एडजस्टेड फॉर ए लेवल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लाउड कॉन्वर्सेशन चिल्ला के बिग बॉस के घर में, बिग बॉस चाहते हैं कि आप ये करो, तो वहां पे लड़ाइयां 70 में होती हैं। ठीक है, चलो। ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम पैन बोलते हैं, वो क्या है? पैन, ये मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा चुकी हूँ, लैंड वाटर एयर साउंड पोल्यूटेंट। व्हाट एग्जैक्टली इज ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट पैन? क्विकली क्विकली, यस यस यस, जल्दी से आंसर बताओ 12वें क्वेश्चन का। आई वॉन्ट एवरी वन टू क्विकली आंसर इट। 8 सेकेंड्स मोर टू गो। आई एम एक्चुअली नॉट सींग द यूट्यूब आंसर बिकॉज बहुत लैग है, मैं अपना टाइमर फॉलो कर रही हूँ। 30 सेकेंड खत्म होंगे और मैं आंसर दे दूंगी। हाँ, इट इज एक्चुअली एन एयर पोल्यूटेंट पैन, हमने पढ़ा था। और ये कैसा पोल्यूटेंट है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, वॉटर पोल्यूशन कंट्रोल लॉ केम इन टू फोर्स इन इंडिया कब? पानी जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ था? 68, 82, 74, 76। क्विकली फटाफट बताओ, दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन, बट ट्रस्ट मी, ये आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स भी बनाएगा। अगर आपको ये क्लियर हो गए, तो आपके एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हैं। स्मॉग भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सर्टनली सी, एज मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग। इट्स वाटर एक्ट हमने पढ़ा था 74 में, फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा था 80 में, एयर एक्ट पढ़ा था हमने 1981 में, है ना। एक वाटर सेस एक्ट आया था, वो 1977 में आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सबको पता होने चाहिए। फिशरीज एक्ट 1897, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वी हैव फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, वी हैव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, वी हैव एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जिसको हम अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट FRA एक्ट है 2006। ये सारे मैंने कोर्स में डिटेल में पढ़ा है। टॉट ऑल दीज एक्ट्स इन डिटेल इन माय क्लासरूम क्लासेस। फाइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नेचुरल पोल्यूटेंट, इसमें से नेचुरल पोल्यूटेंट प्राकृतिक प्रदूषक क्या है? हेज, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वाइल्ड फायर, नन ऑफ दीज, जल्दी बताओ। यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, वी ऑल रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। लेट्स लेट्स टेक दिस क्लास टू 600 टूडे, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, काइंडली शेयर इट अगेन। एंड अभी भी बहुत समय है, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज येस सी, वाइल्ड फायर। नेचुरल पोल्यूटेंट, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन हम खुद बनाते हैं, हेज भी एंथ्रोपोजेनिक है, राइट? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक, एक होता है नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरल आपके वाइल्ड फायर है, वाइल्ड फायर भी एंथ्रोपोजेनिक हो सकती है, जंगल की आग भी लग सकती है मानव द्वारा, बट ये नेचुरल भी होता है। ठीक है, सो ये आपने देखा होगा, ऐसे अभी पिछले कुछ सालों से ये बहुत न्यूज में था, जंगल की आग जो लग रही थी, राइट? सो इट वॉज ऑल इन न्यूज एवरीवेयर, इन ऑस्ट्रेलिया, इन ब्राजील, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लाइकन इज मोर सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइकन जो है किसके लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? ये एक पोल्यूशन इंडिकेटर भी है, राइट? हमने पढ़ा था, यस। सो हाँ, जल्दी 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 जल्दी, किसका किसके लिए संवेदनशील है
हाँ, इट इज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम बोलें सल्फर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में कि नहीं, तो इसका जो संकेत है, सूचकांक है, वो लाइकन होगा। आई इरिटेशन इज कॉज्ड बाय स्मोक ड्यू टू व्हाट? जो आंखों में इरिटेशन होता है धुएं के कारण, वो किसके कारण होता है मुख्यतः? सल्फर डाइऑक्साइड, पैन, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड। चलो जल्दी से मुझे आंसर दो सोल्वे क्वेश्चन का। एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट, आई वॉन्ट एवरी वन टू वंस लाइक द सेशन। लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव लाइक इट। 580 वॉचिंग एंड ओनली 300 लाइक्स, बहुत खराब बात है ना? प्लीज प्लीज इंक्रीज इट एंड लाइक द सेशन सो दैट वी कैन फिनिश इट विथ 100 ऑड क्वेश्चंस। यस, द आंसर इज डी, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओजोन नहीं होता भैया, ओजोन नहीं होता, ओजोन स्मोक में नहीं होता, नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होता है? आई इरिटेशन होता है। चलो, ओजोन इज व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट? प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ, नन ऑफ दीज। टाइम शुरू होता है अब। ओजोन एक प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है, दोनों है, या नन ऑफ दीज है? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्विकली ओके। यस, ओजोन इज एक्चुअली सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। NOx प्लस VOC इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें क्या देता है? ग्राउंड लेवल ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एक सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ऐश, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर नॉट एमिटेड डायरेक्टली। ये जब दो प्राथमिक पोल्यूटेंट्स मिलते हैं तो उनके मिलन से क्या होता है? एक नया चीज रचती है जिसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरोसोल पोल्यूटेंट फाउंड इन एयरप्लेन? कौन सा एरोसोल पोल्यूटेंट एयरप्लेन में मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, या SO2? अगेन, एरोसोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय UGC इन पास्ट। एयरप्लेन्स, एयरप्लेन्स में क्या मिलता है? यस, वेरी नाइस। वी आर ओनली 4 लेस देन 600। लेट्स टेक दिस क्लास टू 600 टुडे। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, फ्लोरोकार्बन। एरोसोल्स जो कि एयरप्लेन में होता है वो है फ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट? बहुत आसान क्वेश्चन है। SO2, CO, NO2, ऑल ऑफ द अबव। ये UGC आपसे बहुत बार पूछ चुका है पहले भी। यू शुड बी प्रिटी क्लियर इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, राइट? सो इसमें से प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है? जल्दी से मुझे आंसर बताओ। यस यस, एरोसोल क्या होता है? एयर में सोल्यूशन। जो ऐसे छोटे 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 कण आपके एयर में घुले रहते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है? आंसर इज डी, वेरी नाइस, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे प्राइमरी है ना, क्योंकि ये सेकेंडरी नहीं है, ये डायरेक्टली ऐसे ही हवा में निकलते हैं। ये आपने देखा होगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, SO2, NO2, एंड दीज आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल पोल्यूशन कैन बी वॉट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ग्लास, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, CO2। क्योंकि सॉइल पोल्यूशन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट में, आपको सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेस पता होने चाहिए। ग्लास, प्लास्टिक, डिटर्जेंट या CO2, क्या है? जल्दी से फटाफट बताओ। सॉइल पोल्यूशन, यस, द आंसर इज बी, प्लास्टिक। प्लास्टिक से सॉइल पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यस, स्मॉग इज फॉर्म्ड कैसे? हमने स्मॉग पढ़ा है, फोटोकेमिकल स्मॉग, लंदन स्मॉग और आपका लॉस एंजलिस स्मॉग, राइट? तो स्मॉग कैसे बनती है? समय शुरू होता है अब। स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फॉग प्लस NO3 या स्मोक प्लस CO2। फटाफट फटाफट, आज हम एकदम जेट स्पीड की तरह भाग रहे हैं, है ना? एकदम वी आर नॉट स्टॉपिंग एंड वी हैव टू कंप्लीट मैक्सिमम क्वेश्चंस टुडे। दैट्स व्हाई काइंडली अगेन लाइक एंड शेयर इट। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, इज सी।
आगे नहीं बढ़ूंगी क्योंकि ओनली 390 पीपल हैव लाइक्ड इट एंड आई हैव मोर देन 570 पीपल वॉचिंग, सो प्लीज एक बार जाके लाइक कर दो, ठीक है? नहीं किया हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर. एयर पोल्यूशन आपको किन इंडिकेटर से पता चलता है? लाइकेंस एंड मॉसेस, नीम एंड मैंगो, फर्न एंड साइकस, ग्रीन एल्गे एंड एक्वेटिक लाइव वॉर्म्स. और आपका समय शुरू होता है अब. सबसे ज्यादा रिलायबल विश्वसनीय संकेतक कौन से हैं? फटाफट फटाफट. वेरी नाइस. पोल पे भी 86% पीपल गिव द करेक्ट आंसर. इट इज लाइकेंस एंड मॉसेस. ये आपका सबसे सही एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है. टू मेजर इंसिडेंट्स नोन एज MIC एंड चेर्नोबिल ट्रेजेडी अकर वेयर एंड व्हेन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डिजास्टर है ना. चेर्नोबिल हो गया, MIC कहाँ से रिलीज हुई थी, अभी रिसेंटली वाइजैग में, विशाखापट्टनम में कौन सी गैस रिलीज हुई थी. ऑल दीज मैनमेड डिजास्टर्स यू शुड बी नोइंग, लाइक फुकुशिमा डाइची, 3 माइल आइलैंड, इनके बारे में पता होना चाहिए. 23वें क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दो. 23वें क्वेश्चन का फटाफट फटाफट. यस यस. सो ये हमारा हुआ था. एक था MIC भोपाल में और था चेर्नोबिल यूक्रेन में. काफी अभी न्यूज में था यूक्रेन रशिया वॉर के कारण. इस रिएक्टर के बारे में भी फिर से बात हुई थी कि कब इसको इसकी मतलब द कंट्रोल वॉज टेकन अवे बाय रशिया एंड ऑल दैट. एंड भोपाल में MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट. भोपाल 1984 में वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑन 3rd of December 1984, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वॉज रिलीज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इंक्रीज कलेक्शन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ DDT एट हायर न्यूट्रिशनल लेवल इज कॉल्ड एज वॉट. DDT जब बढ़ता जाता है धीरे 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 धीरे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, पोटेंशियल अप्रेजर, बायोलॉजिकल वैल्यू. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस क्विकली क्विकली फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो. वेरी नाइस. सो जो लोग बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं उनको पता होगा इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, अप्रेजर अप्रेजर नहीं बोलते, पोटेंशियल तो कतई नहीं बोलते, ठीक है? बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन आपको पता है. एक्यूमुलेशन एक लेवल पे कंटामिनेट होता है फूड चेन में, जैसे कोई पल्यूटेंट है, ठीक है? तो एक लेवल ऑफ फूड चेन में वो सारे ऑर्गेनिजम्स में रहेगा, और जैसे जैसे वो पल्यूटेंट बढ़ता जाता है, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, उस बड़ी मछली को और बड़ी मछली ने खाया, उस बड़ी मछली को और बड़ी मछली ने खा लिया, तो वो मैग्निफाई होता जाता है. ये पल्यूटेंट की संख्या बढ़ती जाती है, मतलब क्वांटिटी बढ़ती जाती है लेवल्स पे, इसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. सीवेज को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हो? प्लांट, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गे, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे. जल्दी बताओ फटाफट फटाफट. इवन इफ द पोल इज नॉट कमिंग इग्नोर द पोल, ठीक है? फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट एंड योर आंसर, और सिर्फ आंसर दे दो. डू नॉट वारी अबाउट द पोल. यस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे. यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे. Which of the following greenhouse gases does not cause ozone pollution in the troposphere? कौन सा greenhouse gases ozone pollution नहीं करता troposphere में? मीथेन, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर. समय शुरू होता है अब. 26वां 26वां 26th क्वेश्चन. टेकिंग आंसर्स फॉर द 26th क्वेश्चन. यस ओके ओके. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये ओजोन नहीं बनाता, वाटर वेपर भी सहायक होता है ओजोन के बनने में, ठीक है? सो आपको पता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द गैसेस? CO2, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड. एंड इनके सोर्सेस क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल, CFC, रेफ्रिजरेटर. मीथेन, पैडी फील्ड, फर्टिलाइजर, बायोमास, नाइट्रस ऑक्साइड. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनकी अलग अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस.
इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 27 क्वेश्चन, स्टिल हाफ एन आवर मोर टू गो। आई एम सो श्योर वील बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। जल्दी बताओ, जल्दी से। यस, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। हाँ, बाकी चार हैं, बिल्कुल सही बात है। डी, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनफैक्ट सल्फर की ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस में नहीं मानी जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन का बायो इंडिकेटर कौन है? फर्न, मनी प्लांट, लाइकन या अमार्बल? कौन सा बायो इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का? फर्न, लाइकन, मनी प्लांट, अमार्बल? जल्दी से बताओ। 28 क्वेश्चन, टेकिंग इन आंसर्स फॉर द 28th क्वेश्चन क्विकली क्विकली। यस, लाइकेन इज अ बायो इंडिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। द रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज, द रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज इज व्हाट? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर, पॉल्यूशन या सारे के सारे? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, IPCC असेसमेंट रिपोर्ट 6, ठीक है। ऑल दीज रिपोर्ट्स दैट आर टेलिंग अस, द ग्लासगो समिट, COP26, पंचामृत योजना, ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस के लिए करी गई हैं। और बिल्कुल इसका आंसर है डी, सारे के सारे। क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैस की वजह से भी होता है, ओजोन लेयर के कारण भी होता है, पॉल्यूशन के भी कारण होता है, सब के सब। साउंड अबाउट विच लेवल इन डेसिबल इज कॉल्ड एज हजार्डस? बहुत हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कौन से लेवल के ऊपर है? 30, 40, 60, 80? बहुत आसान क्वेश्चन है, समय शुरू होता है अब। फटाफट आंसर दो। साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन? हर प्रकार का पॉल्यूशन रटवा देंगे, समझवा देंगे, ताकि एग्जामिनेशन में कोई गलती करके ना हो। यस, द आंसर इज डी, 80 डेसिबल से ऊपर। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू व्हाट? ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू व्हाट? क्लास में भी करवाया है, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन? ग्रीन मफलर किससे जुड़ा है? सॉइल, एयर, नॉइस या वॉटर? प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर एट टाइम्स बीच बीच में, ताकि मुझे पता चले आप लोग ट्रैक पे हो। पता चला मैं 31 पे हूँ, आप अभी भी 28 पे हो। हाँ, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सर्टनली नॉइस पॉल्यूशन, है ना, मफलर की तरह। ये आप लोग ये ना सोचो कि हरा है तो एयर होगा या कुछ और होगा, ये नॉइस पॉल्यूशन है। ग्रीन मफलर में क्या होता है, जो पेड़ है, पेड़ कैसे व्हाट कर लेता है, क्या जो एक्स्ट्रा साउंड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ग्रीन मफलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? इसमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। पर-ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन? आपको बताना है कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। जल्दी से आंसर दो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विकली क्विकली। चलो, यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि पैन है, स्मॉग है, ओजोन है। वेरी नाइस। द पॉल्यूटेड एटमोसफेयर इज क्लीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो पॉल्यूटेड एटमोसफेयर है वो किसके द्वारा साफ होता है? ऑक्सीजन, रेन, नाइट्रोजन या विंड? समय शुरू हो गया है, 15 सेकेंड बचे हैं, फटाफट आंसर दो। और अपना स्कोर आई होप आप लोग नोट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, स्कोर प्लीज नोट करते जाना, ठीक है। वेरी नाइस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस बी, रेन, मतलब बारिश से साफ हो जाता है। इतना जहां दिमाग लगता है वहां लगाया करो, जबरदस्ती में दिमाग मत लगाया करो, ठीक है। रेन से पूरा जो एटमोसफेयर है वो साफ हो जाता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल मेथड ऑफ एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन? वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यंत्रीय विधि नहीं है। बैक फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन डिवाइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल मेथड ऑफ एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन?
बैक फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन डिवाइड। यस यस, वेरी नाइस। लेट्स टेक दिस सेशन टू नाउ 650 पीपल। एक बार जल्दी से शेयर कर दो, हम आधे पड़ाव की तरफ पहुंचने वाले हैं, 50 क्वेश्चन की तरफ। हाँ, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, साइक्लोन डिवाइड। बाकी फिल्टर, सेपरेटर, कलेक्टर, ये सब कहीं ना कहीं आप किसी उपकरणों के द्वारा करते हो, ठीक है। वेरी नाइस। हु अमंग द फॉलोइंग टीम्स ऑफ साइंटिस्ट फर्स्ट डिटेक्टेड द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका। ओजोन होल जो एंटार्क्टिका के ऊपर सबसे पहले मिला था, कि बोला होगा किसी ने आइला ओजोन होल, तो किसने बोला था? रशियन टीम, अमेरिकन टीम, जर्मन टीम या ब्रिटिश टीम? कितना अच्छा है ना, मतलब टीम का पूछ रहे, नाम भी नहीं पूछ रहे हैं आपसे। एंटार्क्टिका में एक फिनोमिना होता है जिसके कारण से ओजोन होल बहुत ज्यादा होता है वहां पे। कैन यू टेल मी दैट फिनोमिना? कैन यू टेल मी द फिनोमिना? 35th क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन। ब्रिटिश टीम, ब्रिटिश टीम, ठीक है, इट्स ब्रिटिश। ओजोन होल सबसे ज्यादा एंटार्क्टिका में होता है बिकॉज ऑफ फिनोमिना कॉल्ड एस पीएससी, पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये एक ल्यूमिनेसेंट क्लाउड, क्लाउड्स होते हैं जलने वाले, चमकने वाले क्लाउड्स होते हैं, जिनके कारण से जो एंटार्क्टिका है उस पे ओजोन होल बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ? कौन सी गैस है जो बुरी भी है और भली भी है, क्या करें, है ना, बुरा है भला है, जैसा भी है मेरा है, क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ड्यूअल नेचर की है। क्विकली क्विकली क्विकली, यस, ओके। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, कार्बन डाइऑक्साइड। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दो प्रकार के प्रदूषण होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना। तो ये जो क्वांटिटेटिव है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक मात्रा से थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, फिर इट विल क्रॉस द थ्रेशोल्ड, इट विल बी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। हार्मफुल, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन बी कॉज ऑफ, सन से जो यूवी रेज आती हैं वो कौन सा कैंसर कॉज करती हैं? लिवर, ब्रेन, मेजर कैंसर या डर्मल कैंसर, त्वचीय कैंसर, मुखीय कैंसर, यकृत कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर? जल्दी से बताओ, 37th क्वेश्चन। सबको पता होना चाहिए ये बात तो, कि ये तो गली गली में शोर है कि ओजोन का जो होल है वो चोर है, मतलब इट्स लाइक स्किन कैंसर होता है, यूवी रेज बहुत हार्मफुल होती हैं, अल्ट्रावायलेट का स्पेक्ट्रम, जो यूवी बी ए सी आपने सुना होगा, सनस्क्रीन इसलिए लगाते हैं यूवी बी रेज के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इशूड ऑरेंज पोल्यूशन वार्निंग टू इट्स सिटीजन इन नवम्बर 2015? ऑरेंज पोल्यूशन वार्निंग कौन से देश के लिए, नागरिकों के लिए की थी? मेक्सिको, मैक्सिको, इंडिया, ब्राजील या चाइना? अभी भी हीट वेव्स के कारण से काफी सारी वार्निंग्स रिलीज हो रही हैं, सो मेक श्योर यू आर ट्रैकिंग इट। आईएमडी रिलीज करता है, दिल्ली में स्पेशली रिलीज हुई है, 49 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच गया है, लोगों को बोला है कि बाहर मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आंसर इज चाइना, चाइना में बहुत गर्मी हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेस मिनिमल एयर पोल्यूशन? कौन सा जो वायु प्रदूषण है वो सबसे कम प्रदूषण करता है प्रदूषक? कैरोसीन, हाइड्रोजन, कोल या डीजल? समय शुरू होता है अब। मिनिमम, 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 मिनिमम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। डज इट रिंग अ बेल? याद आया कुछ? मोदी जी का जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, है ना, डिजिटल इंडिया एंड गवर्नेंस को लेकर। यस, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, हाइड्रोजन फ्यूल। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हाइड्रोजन इकोनॉमी। वी हैव स्टडीड व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, वी हैव ग्रे हाइड्रोजन, वी हैव ब्लू हाइड्रोजन। ये सारे हाइड्रोजन फ्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
Which one of the following is not responsible for global warming? ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मीथेन, वाटर वेपर, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्तरदायी नहीं है? फटाफट फटाफट आंसर। यस, 40वें क्वेश्चन का 12:40 हो रहा है, 20 मिनट बचे हैं। एटलीस्ट लेट्स ट्राई, एज आई टोल्ड 60 एंड 70 क्वेश्चंस विल आल्सो बी एन अचीवमेंट। द आंसर इज आर्गन। यस, बाकी सबसे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? किसने क्या दिया है? इकोलॉजी किसने दिया है? बायोडाइवर्सिटी किसने दिया है? बायोस्फीयर रिजर्व किसने दिया है? इकोसिस्टम किसने दिया है? इकोसिस्टम तो आपको बताना है, करेक्टली मैच्ड। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर 41st क्वेश्चन, आंसर फॉर 41st क्वेश्चन इज ए। ठीक है, सो बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सेस ने दिया है। क्लियर? एजी टेंसले ने इकोसिस्टम दिया है ना। इकोलॉजी किसने दिया है? अर्नस्ट हेकल ने इकोलॉजी दिया है। वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। टाइमर थक गया है, टिकटिकी घड़ी भी थक गई है, वो ब्रेक पे गई है, तो बिना टिकटिकी के आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। वाटर कंजर्वेशन डे 28 फरवरी, मार्च 22, जून 5 या जुलाई 11। टेकिंग इन आंसर्स फॉर द 42nd क्वेश्चन क्विकली। 42nd, यस, इकोलॉजी अर्नस्ट हेकल ने दिया है। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज मार्च 22। यस, वेरी नाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कहाँ पे क्या लोकेटेड है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज, अल्मोरा, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, बैंगलोर। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जल्दी से 43 लिख के मुझे आंसर दो। ऐसे ABC आता जा रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू सी वेदर इट्स एक्चुअली यू गिविंग आंसर फॉर द 42nd और 43rd। यस, द आंसर इज एक्चुअली IIFM कोलकाता में नहीं है। वेरी नाइस। हाँ, कहाँ पर है ये भी मुझे लिख के बताना। द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में अब घटकों की भूमिका क्या होती है? जल्दी से, समय शुरू होता है अब, फटाफट। राइट, इफ यू हैवंट लाइक द सेशन, डू लाइक द सेशन वंस एज वेल। भोपाल में है, बिल्कुल, हम शहर मध्य प्रदेश में, भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। बहुत सुंदर कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म ये कौन करता है? डीकम्पोजर्स। ठीक है, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया। 45th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच? जल्दी से बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको, हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़े हैं, है ना, तो एनर्जी का पिरामिड कैसे होता है, बायोमास का कैसे होता है, क्या है आपको बताना है करेक्ट इसमें स्टेटमेंट। 45th क्वेश्चन, यस, यू आर स्टिल इन द 44th क्वेश्चन। Okay, the answer for this question is yes, B. ठीक है, 45th का बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया, इसका आंसर है B, मतलब ABC. Grassland ecosystem, पिरामिड का हमेशा कैसा होता है? Grassland का हमेशा upright होता है। ठीक है, pond ecosystem का हमेशा याद करना inverted होता है, मैं already बता चुकी हूँ। और एनर्जी हमेशा अपराइट होती है, एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी हमेशा यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, धीरे धीरे ऊपर कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फेयर? बायोस्फेयर का एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है? 20 सेकेंड शुरू होते हैं अब। नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक हो सकता है वो बाकी में से, बट एबायोटिक नहीं है। प्रोटीन, सॉइल, फंजाई, फॉस्फरस।
प्रोटीन, सॉइल, फंजाई, फास्फोरस, नॉट एन एबायोटिक, यस। 46th, हाँ, एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो में जाती है। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, फंजाई लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इकोसिस्टम में दो होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो लिविंग आपका फंजाई होगा, बाकी सब नॉन लिविंग थे। इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन होती है उसमें टॉप कंज्यूमर श्रृंखला में उपभोक्ता कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, बैक्टीरिया, इधर कार्निवोर और हर्बीवोर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 47th क्वेश्चन, 47th क्वेश्चन, क्विकली। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस इज योर कार्निवोर्स, जो टॉप लेवल पे होगा। जैसे कि शेर है ना, सबसे ऊपर शेर होता है इस फूड चेन में। जैसे आपने फूड पिरामिड देखा है, यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे अगेन यू हैव हर्बीवोर्स जो प्लांट ही खाते हैं, फिर भी जो ऊपर होता है वो कार्निवोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज व्हाट? एनर्जी का मेन सोर्स इकोसिस्टम में क्या है? एटीपी, सनलाइट, डीएनए, आरएनए, जल्दी बताओ। ओके, द आंसर इज यस, सनलाइट, सूर्यदेव सबको रोशनी देते हैं, एनर्जी देते हैं, यही मेन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नॉट बैड इफ इवन इफ यू टेक द 1 आवर सेशन एंड योर स्पीड, 1 मिनट में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है आज, है ना? तो 60 मिनट में आपने 60 क्वेश्चन भी कर लिए, तो इट्स लाइक स्पीड आपकी ठीक है, इसको और बेटर कर सकते हैं। यस, द आंसर फॉर 49th क्वेश्चन इज ए, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ बोथ आर देयर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इन एन इकोसिस्टम मिनरल साइकिलिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? मिनरल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? बायो, जियोकेमिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल और नन ऑफ दीज। यस, फटाफट। बायो, जियोकेमिकल, जियोलॉजिकल, केमिकल या नन ऑफ दीज। 50वां अर्धशतक पूरा करते हुए और ये बिल्कुल लगा 6, बायो जियोकेमिकल इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, सो वी आर देयर हाफ वे थ्रू। लेट्स मूव फर्दर। 51st क्वेश्चन, फ्लोरा वर्ड्स इंडिकेट व्हाट? फ्लोरा से क्या समझते हो? एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, फ्लावर कम्युनिटी या नन ऑफ दीज? एनिमल, प्लांट, फ्लावर। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत से बच्चे मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम फ्लोरा का मतलब क्या होता है, मैम फौना का मतलब क्या होता है, मैम इन दोनों को, बिकॉज वी हेयर ऑल दीज वर्ड्स बट वी आर नॉट दैट अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स, राइट? यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इट इज प्लांट कम्युनिटी। फ्लोरा इज प्लांट एंड फौना इज एनिमल्स। चलो, टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंटरैक्टिंग विद स्पेसिफिक कंडीशन इज डिफाइंड एज बायोम। बायोम क्या होता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार यूजीसी ने भी पूछा था। एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू बायोम्स। मरीन इकोसिस्टम इंक्लूड्स द ओशन, एस्चुरीज एंड कोरल रीफ। ठीक है, सो आपका समय शुरू होता है अब। प्लांट एंड एनिमल को एक साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उनको हम बायोम बोलते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम बायोम्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। मरीन इकोसिस्टम मतलब ओशन, एस्चुरीज और कोरल रीफ भी होता है। 52nd, ओके, दिस इज इन हिंदी। पढ़ लो आराम से पढ़ लो, हिंदी वाले बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मतलब जल्दबाजी तो है बट इतनी नहीं है कि क्वेश्चन ही ना पढ़ पाओ। बताओ भला क्या मतलब फिर क्लास का? बिल्कुल सही बात है।
तो इसका आंसर है सी, 1 एंड 3। बहुत से बच्चों ने सही दिया था, क्योंकि बायोम इज एक्चुअली द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये मैंने इतनी बार चीख चीख के बताया है, आई हैव टॉट यू दिस थिंग सो मेनी टाइम्स इन माय क्लासरूम, एज बायोम इज द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, हेंस नॉट एक्वेटिक। ठीक है, सो इकोसिस्टम दो होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, पर बायोम जो है, टेरेस्ट्रियल बायोम को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं बायोम में। तुंद्रा, टाइगा, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ऑल दीज आर बायोम्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एनवायरमेंट कैन बी एवरीथिंग इन अ स्मॉल रीजन। हैबिटेट आर एरियाज वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। बायोस्फीयर इज द रीजन ऑन अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ। इकोसिस्टम इंक्लूड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। जल्दी से बताओ। यस, एक्वेटिक में वी हैव लैंटिक, लोथिक, बेंथिक। ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट इसको करते हैं, राइट, द एंटायर एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फोटिक जोन होता है, बेंथिक जोन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। यस, द नेक्स्ट इन हिंदी। ओके, थैंक यू सो मच अंकिता। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस इंडीड डी, बिकॉज सभी के सभी सही हैं। व्हाट एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट कैन बी एवरीथिंग इन अ स्मॉल रीजन। यस इट्स ट्रू, हैबिटेट इज वेयर द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रहने की जगह। बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ। यस इंडीड ट्रू, बिकॉज बायोस्फीयर मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन से एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड योर लिथोस्फेयर, जो इनका कॉम्बिनेशन है वो बायोस्फेयर होता है। इकोसिस्टम में सब कुछ आता है, तो सारे के सारे सही हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पढ़ भी नहीं रहे हो, फटाफट आंसर दो। एन एनवायरमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मैम एनवायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या अंतर है। एनवायरमेंट में भी वही आता है, इकोसिस्टम में वही आता है, तो ऐसा दोनों में अंतर क्या है ना? यस, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, बोथ। एनवायरमेंट इज एक्चुअली, काफी सारी इकोसिस्टम होते हैं। एक डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, एक यू नो यू कैन हैव एन इकोसिस्टम मे बी इन द कोरल रीफ, तो उन सबको जोड़ के एनवायरमेंट होता है। इकोसिस्टम एक यूनिट होता है एनवायरमेंट का, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर कौन सा नहीं है? 55 क्वेश्चन, 60 की ओर बढ़ते हुए, शानदार नाबाद तरीके से। नॉट मैक्रो, शीप, स्नेक, अर्थवर्म, लायन। हाँ जी, वेरी नाइस अदिति, वेरी नाइस सुरभि, वेरी नाइस अजीज, वेरी नाइस पीपल, पिंगाक्षय, नैन्सी, सबने सही दिया। अर्थवॉर्म एक माइक्रो कंज्यूमर है, सूक्ष्म कंज्यूमर है ना, हम ये क्लास में पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इन मेनी एक्वेटिक इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास में सीम्स अपराइट। क्या एक्वेटिक में बायोमास का पिरामिड सीधा हो सकता है? हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो एनर्जी का पिरामिड है, उसी से हमको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझ में आता है। 56 का आंसर बताओ फटाफट। और इस सेशन को प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपने अभी नहीं देखा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, आपने देख लिया, उन्होंने नहीं देखा हो तो। और प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कैसे लगे। बिल्कुल, द आंसर इज बी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो आपको क्या बताना था इसमें? हाँ, उल्टा हो सकता है, उल्टा ही होता है, ये अपराइट नहीं है, ये एक्चुअली सी इट कुड इट शुड बी इन्वर्टेड। हाँ, बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड एंड ग्रासलैंड आर डिफरेंट। प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल।
क्या जो नंबर का पिरामिड है वो पॉन्ड और ग्रासलैंड में अलग होता है क्या, एक में सीधा एक में उल्टा? प्रोड्यूसर्स जो हैं हमेशा नीचे होते हैं ट्रॉफिक लेवल के। यस, एक्वेटिक तो इन्वर्टेड होता है, हमने पढ़ा है ये, है ना। बायोमास तो इन्वर्टेड होता है, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, बायोमास इन्वर्टेड होता है। यस, द आंसर फॉर 57th क्वेश्चन इज बी। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर जो है, पॉन्ड में भी ऐसा होता है सीधा, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और मतलब ग्रासलैंड में भी ऐसा होता है, पॉन्ड में भी ऐसा होता है, छोटी छोटी मछलियां बहुत सारी होती हैं, जो बड़ी मछली होती है वो कम होती है, तो ये दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 58th क्वेश्चन, एटलीस्ट वील ट्राई टू सॉल्व 65 क्वेश्चंस, टारगेट बढ़ाती जा रही हूँ मैं, है ना, जैसे जैसे आंसर करते जा रहे हो। एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अलॉन्ग विद द केमिकल फैक्टर। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट टू कैरी आउट देयर नेचुरल प्रोसेसेस। क्विकली, 58th क्वेश्चन, 58th क्वेश्चन। And your time starts now. Answer is A. ठीक है, दूसरा गलत है। सभी जीव, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट, नहीं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट हैं, ये तो गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर, इसमें से एबायोटिक फैक्टर कौन सा नहीं है? वाटर, लाइट, डिकम्पोजर्स, टेम्परेचर। यस, तो इसमें आंसर बिल्कुल सी है, क्योंकि बायोटिक है, डिकम्पोजर लिविंग है, वाटर, लाइट और टेम्परेचर सारे एबायोटिक हैं। ठीक है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? फॉरेस्ट, माउंटेन, ओशन, ग्रासलैंड। सबसे स्टेबल, फॉरेस्ट, माउंटेन, ओशन, ग्रासलैंड। यस, द आंसर फॉर 60th क्वेश्चन, स्टेबल जो होता है वो होता है आपका ओशंस, है ना, बाकी उतने स्टेबल नहीं होते, और चेंज ओवर द लॉन्ग टाइम बहुत स्टेबल है। माउंटेन्स बहुत इम्पोर्टेंट है, चेंज होता रहता है, और ये काफी ज्यादा चेंजेस में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ग्रासलैंड तो सबसे ज्यादा चेंज होते हैं। चलिए, 61st क्वेश्चन, 2 मिनट बचे हैं, क्वेश्चंस हमें जितने ले पाएंगे हम लेंगे। बायो रेमिडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी हैव डन इन आर क्लासरूम, राइट, वी हैव डन दिस कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम। बायो रेमिडिएशन क्या होता है तो आपको बताना है। यू हैव बीन गिवन 2 स्टेटमेंट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। What exactly is bioremediation? 61st question. So not bad guys, congratulations. 60 minutes, 60 questions. जान मुझ के टारगेट जब 100 रखते हैं तब जाके आप स्पीड बढ़ाते हो, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, दैट मीन्स यस, यू आर नॉट दैट बैड इन टर्म्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन हिंदी, यस, क्विकली, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। ए और दो, दोनों दोनों ही सही है, राइट, सो दोनों ही सही है। इट मे बी डिफाइंड, फॉर एग्जाम्पल, बायो रेमिडिएशन क्या होता है, इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज वॉट द प्रोसेस जिसमें हम वेस्ट को कम करते हैं।
पॉल्यूशन को कम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, राइट? इट मे बी एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू अटैक स्पेसिफिक कंटामिनेंट्स एज वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। 1 बजे एक क्वेश्चन और, द एबायोटिक कंपोनेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, जाते जाते एक क्वेश्चन और, एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में कौन सा है? कॉलरा, वाटर, बैक्टीरिया या डॉग? क्लास का रोज का टाइम नहीं है, मतलब हम मंडे और वेंसडे को यूट्यूब पे मिलते हैं 12 बजे। ठीक है, 12 बजे वी मीट ऑन मंडे एंड वेंसडे। इट इज बी। ठीक है, वाटर। सो एबायोटिक कंपोनेंट है, बाकी बायोटिक है कॉलरा, बैक्टीरिया एंड डॉग ऑफ कोर्स। चलो, सो हियर यू कैन सी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ऑर्गेनिक होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। फिजिकल होते हैं लाइट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आपके एबायोटिक हैं, राइट? सो अभी वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 40+ क्वेश्चन। आई हैव 100 क्वेश्चंस विथ मी। इफ यू वांट, आई विल शो यू यू नो माय 100 क्वेश्चंस दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। जस्ट 1 सेकेंड, so that you will know that I brought around 95+ question. ये है आपका 95th question, ठीक है? So मैं लेकर सारे आई थी, अब मुझे पता था आप लोग कितने सॉल्व कर पाते हो 1 मिनट 60 मिनट के सेशन में। तो एक और फिर हम environment part 2 लेकर आ जाएंगे, जिसमें हम ये बचे हुए 40-50 questions करेंगे, ठीक है? So target है ये सारे conceptual questions environment के करना 2 classes में, right? So I hope they were not easy, they were concept building questions. Had I brought long questions, obviously उनके लिए वो 20 questions, 15 questions एक घंटे में हम लेकर आते हैं. That are the different categories, right? These are the concept building questions and that's why they are small questions. And अभी भी इसमें काफी सारे बच्चों के बहुत से गलत हो रहे थे. Still there were so many people giving wrong answers because these small concepts are not clear. That's why this is the concept clearing series and revision also since you have done. And questions ऐसे पूछे जाते हैं, primary pollutant, secondary pollutant, greenhouse gases, global warming potential, decibels, ये सब UGC पूछता है, ठीक है? So I hope अरे 95 का आंसर मत दो भैया, हो गया, it's okay. Thank you so much for attending the class. I am not asking you this 95th question, we'll do that later, बाद में करेंगे, but मुझे बिल्कुल बताना, like कर देना class को, share कर देना अपने friends के साथ अगर नहीं किया है, और मुझे comment में भी बताना कि आपको कैसे लगे ये efforts, ठीक है? I mean हमने इतने सारे concept वाले question solve किए, I hope you liked it. Right? So I enjoyed a lot. I hope you also enjoyed it. We'll meet soon again with some short video before Monday as well. ठीक है? Monday को हम मिलने वाले हैं वापस से. Monday और Wednesday 2 दिन मेरी classes होती हैं. If there is any other class before that, आपको बता दिया जाएगा. Right? So thank you so much, guys. Take care and see you soon. जल्दी से मिलते हैं अगली class में. Bye bye.